नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरठ के कई इलाके में ओलावृष्टि हुई, वहीं लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। तेज बारिश ने मौसम में ठंडक तो बढ़ा दी है, मेरठ के निचले इलाकों में बारिश पड़ने से पानी भी भर गया। वहीं बारिश पड़ने के कारण मौसम में नमी भी बढ़ गई। पहले ही ठंड का सितम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा था, लेकिन अब बारिश के बाद गलन बढ़ने का आम लोगों का जनजीवन और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्या नाम है आपका? सोनू। ये जो बारिश हुई है, इससे क्या किसी चीज को नुकसान है, फायदा है? आज जो बारिश हुई है, जो ओलों के साथ हुई है, इससे बहुत ही भीषण नुकसान है। सारी फसलों का नुकसान हो गया है। आप ईखे देख लो, ईख सारी बेकार हो गई है ओलों से। उसके बाद गेहूं अभी तक बो नहीं पाए लोगों के। और नुकसान की तो यह कि बारिश भीषण हो ही रही है, खड़ा नुकसान है। बेमौसम बारिश है, ओलों के साथ है, और इससे आलू की फसल को भी नुकसान होगा। सभी को नुकसान है, फसल कोई भी हो, नुकसान तो नुकसान ही है। सबसे ज्यादा गेहूं और आपके आलू, प्लस हमारे गन्ने की, गन्ने का जो ऊपर का हरियाली सब खत्म है। कोई छोला तैयार नहीं है छोलने के लिए, इससे भीषण ज्यादा नुकसान है। क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा। ये जो बारिश हुई है, इससे फसलों को कितना नुकसान है और ठंड में कितना तापमान बढ़ सकता है? ठंड तो बढ़ी है और बढ़नी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है ये बेमौसम की जो बारिश है, ये काफी नुकसानदायक है फसल के लिए। अभी तो हमारे क्षेत्र में काफी गेहूं भी पैदा नहीं हो पाया है। जो है किसान जब तक तैयार करता है, जब तक बारिश हो जाती है। और ओला तो आलू के लिए भी काफी नुकसानदायक है, इससे जो है फसल जो है काफी नुकसान हो रहा है। किसानों को काफी मात्रा में किसान जो है हर तरह से परेशान है।